लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया, अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई है, हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। सीट बंटवारे को लेकर वासनिक ने कहा, हम सीट शेयरिंग को लेकर कुछ ही दिनों में एक बार फिर बैठक करेंगे। एक पॉजिटिव बात मुकुल वासनिक के द्वारा, कांग्रेसी नेता के द्वारा की गई है इस बैठक के बाद, और कहा है कि हमें बीजेपी को हराना है, अगले कुछ दिनों में हम एक बार फिर बैठक करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर ये अहम बैठक आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुई है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है और पंजाब में कांग्रेस जाहिर सी बात है ज्यादा सीटें चाहेगी, और अगर कुछ विरोध होगा तो वो पंजाब को लेकर ही होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक करीब ढाई घंटे तक चली। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा, सीटों पर मंथन के लिए हम दोबारा बैठक करेंगे, मिलकर बीजेपी को हराएंगे। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है सर, दिल्ली और पंजाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मुकुल वासनिक को आपने सुना, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी एक महत्वपूर्ण और मजबूत हिस्सा है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हम शिकस्त देंगे। आज एक अहम बैठक आम आदमी पार्टी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं के बीच हुई। और जी न्यूज के दो संवाददाता इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, रवि त्रिपाठी दिल्ली से और बलराम पांडे भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी 2019 के चुनाव को, अगर मैं याद करूं तो पंजाब में कांग्रेस ने बहुत अच्छा, मतलब बाकी देश की तुलना में, देखिए प्रदर्शन तो बहुत खराब रहा था कांग्रेस का, लेकिन बाकी देश की तुलना में पंजाब में एक ठीक ठाक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था। क्या आपको लग रहा है कि अगर पेच कहीं फंसेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो वो पंजाब में ही फंसेगा? दिल्ली में मुझे लगता है 4-3 का फॉर्मूला ऑलमोस्ट तय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, पंजाब में और एक और स्टेट बताना चाहूँ, केरल में कांग्रेस पार्टी ने दो राज्यों में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, उसमें से एक केरल था, दूसरा था पंजाब, और दोनों राज्यों में ऐसा लग रहा है कि सेम मॉडल अपनाया जाएगा। जो मुझे जानकारी मिल रही है, क्या होगा कि देखिए पंजाब आम आदमी पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहेगी और कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ना चाहेगी, उसके 8 सांसद हैं, 13 में से 8 सांसद कांग्रेस पार्टी के वहाँ हैं और सरकार वहाँ आम आदमी पार्टी की है। आमने सामने की लड़ाई देखिए, UDF और LDF आमने सामने हैं, आपको केरल में वहाँ भी बीजेपी से लड़ाई नहीं है, और एक कुल मिला जुला के पंजाब में भी बीजेपी से लड़ाई नहीं है, आमने सामने की मतलब गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर हैं दोनों जगह आमने सामने हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि शायद सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाए, दोनों को लड़ना पड़ेगा। दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि बीजेपी को इसका फायदा हो, और बीजेपी को इसका फायदा होगा भी नहीं, जो भी जीतेगा, जो भी आएगा झोली में, इंडिया अलायंस के ही जाएगा। तो जो LDF और UDF का फॉर्मूला केरल में होगा वही पंजाब में होगा। दिल्ली आप सही कह रहे हैं, दिल्ली में 4-3 में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है 5-2 भी देने को तैयार हो, क्योंकि दिल्ली में 0 है दोनों पार्टियों के पास। तो दोनों पार्टियां, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट देती है कांग्रेस पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी देती है एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं इसके बदले में आप गुजरात में आम आदमी पार्टी सीट मांगेगी, गोवा में मांगेगी, हरियाणा में मांगेगी, तमाम जगह मांगेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चीज के लिए तैयार है, क्योंकि इसी अलायंस से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का दर्जा हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं बलराम अब आपका रुख करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी को आप बहुत नजदीक से कवर करते हैं, हर अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं, आम आदमी पार्टी का क्या खबर मिल रही है, पंजाब में क्या फॉर्मूला, दिल्ली पे मुझे लगता है आप भी मुझसे एकमत होंगे कि यहां पर 4-3 पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई लड़ाई है नहीं, लेकिन पंजाब में क्या खबर निकल रही है? देखिए, ये जो बैठक रही है वो सकारात्मक रही है, और आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स चेंज किए गए हैं, यानी आम आदमी पार्टी ने अपने फार्मूले को, अपनी सीटों के जो दस्तावेज थे वो कांग्रेस को सौंपे हैं, और कांग्रेस ने अपना फार्मूला दिया है कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अब अगली बैठक जल्द ही होगी और उसमें तय होगा कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, लेकिन सबसे बड़ी जो असमंजस की स्थिति है वो पंजाब में है, क्योंकि दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन पंजाब में 8 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि पंजाब में अगर वो 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा
जीत हासिल होगी और इसी उम्मीद से आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि हम पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरना है, इसीलिए दोनों पार्टियों ने अपनी दावेदारी जो है वो एक दूसरे को साझा की है कि हम किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस सीट पर हमारी दावेदारी क्यों मजबूत है। अब अगला जो बैठक है उसमें तय होगा कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि पंजाब के अंदर जो 13 लोकसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ें, लेकिन अगर गठबंधन के तहत जाना होगा तो कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस भी पंजाब के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने कहा कि 8 सीटें कांग्रेस की पंजाब के अंदर हैं, तो ऐसे में पंजाब में कांग्रेस भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अगर गठबंधन होता है तो उसका सीधा फायदा चुनाव लड़ने के अलावा, अगर आप ज्यादा सीटों पर जीत कर लोकसभा में पहुंचेंगे तो उतनी ही मजबूती उस राजनीतिक दल को भी मिलती है, और शायद इसीलिए सीटों का बंटवारा जो है वो कोई आसान रहा नहीं है। हर दल अपने लिए सबसे ज्यादा सीटें चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका, बलराम आपका इस पूरे अपडेट के लिए। Z News.